हैप्पी हैप्पी मेरी बीवी है, लेकिन मुझे हैप्पी नहीं करना चाहती। देव, मेरा नाम हैप्पी है, लेकिन मुझे हैप्पी रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कैसी लगी स्क्रिप्ट? यार इतना मजा नहीं आया सर। मजा नहीं आया मतलब? वही तो सर, मैंने बोला वही क्यों लिख के आया है। अरे तो सर, मैं जो लिख के लाया था वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आपने जो बोला वो लिख के लाया मैं। मुझे नहीं लगता सच्चा होने वाला है। अरे सर, ये तो फर्स्ट ड्राफ्ट है, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए। मैं पक्का आपके लिए एक और ड्राफ्ट लिख के लाता हूँ, और पक्का इस बार अच्छा लिख के लाऊंगा। अरे सर, एक मौका और दे दीजिए, पक्का मैं अच्छी स्क्रिप्ट लेके लाता हूँ। ठीक है, हेलो हेलो जो बोलता वो करता हूँ तो ना सारा ये आ कब हो? डायरेक्टर ने आज फिर मेरी गांठ फाड़ डाली, मेरी स्क्रिप्ट फाड़ दी। ड्राफ्ट फिर पसंद नहीं आया, सब चूतिया बना दिया है मुझे। 4 साल से ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट लिख रहा हूँ, पर उनको एक ड्राफ्ट पसंद नहीं आया।
क्या लिखूं मैं अब? रिलैक्स बेबी, होता है। अरे कितना होता है, 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ मैं, और कितना होता है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, यू जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। तुम्हें तो बहुत आसान लगता है ना, इट्स ओके, तुम्हारा काम चल रहा है, मेरा काम में गांड किसी पड़ी, इसलिए इट्स ओके, कभी ना कभी तो कर लूंगा। 4 साल हो गए मुझे, 4 साल। इट्स ओके, रिलैक्स। कितना रिलैक्स? ये ईएमआई कौन तुम्हारा पापा के भरेगा? तू ईएमआई लेने किसने बोला था? दो दो ईएमआई लेके रखे है। तुमने ही बोला था। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं घुसूंगी, मुझे ओला में नहीं घूमना है, मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगी, आई एम अ स्टार। लगा दी मेरी। बीवी का फर्ज क्या होता है? मर्द जब काम से लौट के आए तो पति को खुश कर दे, आदमी को खुश रखे, लेकिन नहीं, वो मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। मैंने कुछ गलत कहा, मैं अपनी गांड घिसा के सुबह से लेके रात तक घिस के आता हूं घर पे कि दो पल चैन के बिता सकूं, लेकिन नहीं, दो पल क्या, 2 सेकंड भी वो मुझे चैन से जीने नहीं देती। आखिर मेरी क्या गलती है? मैं तो उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना शादी के पहले करता था। अब नहीं चल रहा मेरा काम तो उसने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया। क्या मर्द से प्यार करने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी है? पैसा, ये दुनिया को बिगाड़ दिया इस पैसे ने। अगर आप कमाओ 10 लड़कियां आपके साथ, और अगर नहीं तो आपकी बीवी भी आपके साथ नहीं रहती। ये है आदमी, सुबह से थका हारा बाहर से काम करके आता है, पैसे कमा के लाता है, और अगर पैसे ना कमा पाए तो चूतिया खिलाता है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो सोचिएगा इस बात को। शादी के पहले तुमने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, तुमने मुझे बोला था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा राइटर बनूंगा। हाँ तो मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, मैं क्या चूतिया से घर पे बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ रोज अपनी गांड घिसा रहा हूँ, 4 साल से सुबह से लेकर रात तक बाहर घूम रहा हूँ। आई एम सपोर्टिंग यू, यू आर ब्लेमिंग मी। दिखा मुझे कितना सपोर्ट कर रही है, यहाँ आते ही अपने चूतिया फोटोज दिखाना चालू कर दिए। बेबी देखो मैं ऐसी दिख रही, बेबी मैं, अरे मैं तुम्हें सामने देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारे फोटोज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं देखने तो मत देखो, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकालने की जरूरत नहीं है। प्लीज चुप रहो, चिल्लाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। इंसान को ना चद्दर देख के पैर फैलाने चाहिए, तुम्हारे जैसे नहीं। औकात नहीं और ये मैं लेके बैठे या मेरी औकात नहीं। शट अप एंड लेट मी स्लीप, आई हैव अ शूट टुमारो। गो फक योरसेल्फ। आई विल। एक औरत क्या चाहती है? खुशी। पर नहीं, मर्द कब समझेंगे, उन्हें लगता है कि हमें पैसा चाहिए। अरे पैसे के पीछे तो हम कभी थे ही नहीं, हम चाहते हैं कि वो दो पल हमें समझे, प्यार करे, मोहब्बत से देखे, एक बार तारीफ करे। हम औरतों को कोई समझ नहीं सकता, और वो कहते हैं कि औरत को कोई समझ नहीं सकता। I love you very much, but right now I have to work. Let's Sorry. Celebrate. No, let's make love today. No, please. Please don't distract me. मुझे अभी बहुत सारा लिखना है. मुझे लिखने दो, please. Kiss me. Come on, honey. अपन चलेंगे, party करेंगे, सब करेंगे. But let me finish this first, क्योंकि आज ये project मैंने complete नहीं करा ना, तो मेरे लोड़े लग जाएंगे. I mean, is my success not your success? It is, right? It is, but let me complete this first. Samjha karo. How can you say no to this? No. Please. Abhi band karo.
Come on, Dev. Take rest. मैं complete करता हूँ. Then I'm coming, no? Please. Come on, please. Oh. Thank you. So sweet of you. Champagne time. Open the bottle. Let's have champagne. Come on. Please, Nani, I told you, no. Let me complete this first. This is a very important project I got. Try to understand my feelings. You try to understand. You try to understand, please. Okay? Dude, I want to lose myself to you. Please. Thodi der ke liye, mujhe akela chhod do. Baby. Come on, honey, please. Leave me alone. You crazy? Fuck you. You will never fuck me. Get lost. सच में इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ लाइफ आई डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड बट द फैक्ट इज वी लव हैविंग सेक्स वी हैव आवर ओन नीड्स एंड मेन आर नॉट गुड एट इट आई मीन इट मेन आर नॉट गुड एट इट I love you. Looking beautiful tonight. Really? Okay. Relax. I am relaxed. Not now. What? Not now. I love you, no? Yeah, I know. But abhi nahi. Dev. Abhi. Come on, yeah. No. Dev. What? I'm your husband, no? मर्द मी हम नहीं होते दुनिया में तो ये दुनिया ही नहीं होती और मर्द का पूरा अधिकार रहता है अपनी बीवी पे राज करने का क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली होता है और हेड ऑफ द फैमिली मतलब राजा राजा के अंडर आती है प्रजा और प्रजा वो है जो उसकी बीवी और बच्चे होते हैं राजा राज करता है प्रजा उनकी सुनती है वैसे बीवी को भी राजा की सुननी पड़ती है तो सुनेगी आखिर मर्द राजा जो है अभी नहीं दे स्टॉप इट दे कम ऑन दे व्हाट आर यू डूइंग नो दे You want it? But you'll never get it! I'm your fucking husband. Want it? मुझे जब चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा। और ये मैं नहीं कह रहा। सदियों से परंपरा चली आ रही है। मैं तो बस परंपरा का पालन कर रहा हूँ। मैंने ये परंपरा नहीं बनाई है। ऊपर वाले ने बनाई है। तो मुझे उसे फॉलो तो करना पड़ेगा ना नहीं तो ऊपर वाला गुस्सा ना हो जाएगा बस बीवी पे मेरा अधिकार है मैं जो चाहूं जब चाहूं जैसे चाहूं कर सकता हूं और उसे रोकने वाला कोई नहीं है Fuck you, bitch! क्या रिश्ते का मतलब सिर्फ सेक्स होता है क्या मेरी मर्जी का कोई महत्व नहीं मुझे भी सेक्स चाहिए इट्स नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट इट एट ऑल बट आई वॉन्ट माई इमोशंस एंड माई फीलिंग्स टू बी कंसिडर्ड इफ यू वॉन्ट me to have sex with you whenever you want and the way you want then get me in the mood of doing it don't just force yourself on me let me sleep
देव यार, लेट मी स्लीप। नॉट नाउ, लेट मी गो एंड फ्रेशन अप। नो देव यार, रात को तो तुम झगड़ा कर रहे थे, अभी एकदम मूड में आ गए हो। Let me sleep. I have to go to the gym and I have a shoot today. Shut up, yaar. यार सेक्स में तब मजा आता है जब फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, और तब देखना जो आप महसूस करोगे ना वो मर्द। हमें दुनिया वाले कहते हैं मर्द, जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, अपनी बीवी पे, अपनी माँ पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, पूरी दुनिया। मर्द को भगवान ने इसलिए ही बनाया है ताकि वो दुनिया आगे बढ़ा सके। एडम और अगर ईव एक साथ नहीं होते, या फिर ईव अकेली होती, तो उसका वंश कभी नहीं बढ़ पाता। वो एडम ही था जिसने ईव की लेके इस दुनिया को आगे बढ़ाया, और हम सब एडम हैं। एडम मर्द, मर्द को खुश रखना हम औरतों का काम नहीं है। औरत और मर्द एक दूसरे को खुश रखे और खुश रहे, और वो दिन आ गया है कि हर इंसान ये समझे, परंपराओं को बदले और दोनों खुश रहे। यार आप लड़की का दिल जीतो, उस पर जबरदस्ती मत करो, इज्जत हासिल करो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। देव, मेरा नाम हैप्पी है, लेकिन मुझे हैप्पी रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हैप्पी, हैप्पी मेरी बीवी है, लेकिन मुझे हैप्पी नहीं करना चाहती।